नंबर 12 कनेक्ट टू ए बी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म है ना ठीक है तो देखिए b1 इक्वल टू क्या है d b1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ap इज d1 एंड सेकंड ap इज d2 देन d1 d2 इक्वल टू d करें सेम पर है ना इसलिए सेम मैंने मान लिया अब फर्स्ट टर्म जो है के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो फर्स्ट टर्म हम डिफरेंट मान लें फर्स्ट ap का फर्स्ट टर्म a1 सेकंड ap का फर्स्ट टर्म a2 तो चलिए ये 100 a100 a100 माइनस a200 इस कोड कितना हमने इस कोड करें 100 है ना 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी इस कोड कितना 100 ये चीज कहते हैं तो जैसे a100 कितना होगा बताओ a100 जो है ये हो जाएगा आपका a1 प्लस 100 माइनस 1 इनटू d है ना और फिर प्लस सॉरी माइनस फिर माइनस a2 और प्लस 100 माइनस 1 इनटू d d1 d2 कर लीजिए चलिए d1 इस कोड की तो मान जाएगा तो 100 अब इसको ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 99 d1 माइनस a2 माइनस 99 d इस कोड कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा है ना तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 और प्लस 99 बाहर ले लेते हैं तो d1 माइनस d2 इस कोड 100 हो जाएगा है ना ठीक है तो देखिए d1 d2 तो सेम है d1 इस कोड क्या है d2 है इसलिए a1 माइनस a2 और प्लस 0 ये चीज 0 हो जाएगा ना क्योंकि 99 और d माइनस d तो फर्स्ट कंडीशन से आपको क्या मिल रहा था a1 माइनस a2 इक्वल टू 100 क्योंकि ये टर्म हमारा हो गया 0 ना d माइनस d 0 99 इनटू 0 0 हो जाएगा सही ये चीज हमारा क्या होगा बताओ ये चीज होगा 99 इनटू 0 ना इक्वल टू 100 यहाँ से a1 माइनस a2 इक्वल टू 100 हो गया ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है अब क्या करते हैं मतलब अब जो है a1 माइनस a2 हो गया अब a1 1000 माइनस a2 1000 a1 1000 माइनस a2 1000 की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो चलिए इसमें वैल्यू लगा दीजिए कितना ये चीज हो जाएगी आपकी ये a1 प्लस 1000 माइनस 1 इनटू d1 या d और फिर ये होगा आपका a2 और प्लस a2 प्लस 1000 माइनस 1 इनटू जिसकी वैल्यू क्या 100 तो इसकी भी वैल्यू 100 ही है डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी क्या होगा 100 ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डी सेम है इसलिए वायलेशन जो है आपका सेम रहेगा इसलिए डिफरेंट जीरो हो जाएगा उसका देखिए देखिए तो आप जो है चाहे 100 टर्म का डिफरेंस निकालिए चाहे 200 टर्म का डिफरेंस निकालिए 1000 टर्म का 100 निकालिए डिफरेंस निकालिए किसी का डिफरेंस निकालिएगा तो आपको वैल्यू उतनी